फ्रेंड्स, फाइनली सैटरडे आ चुका है और एवरी सैटरडे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक। ओके, लास्ट सैटरडे भी मैं आपको प्रोवाइड किया था अच्छा खासा स्टॉक, उन स्टॉक ने लॉस दिया है, प्रॉफिट दिया है, वो डिस्कस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीक कौन सा स्टॉक आप ले सकते हो वो सब। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवजीत और मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक, जो नेक्स्ट वीक में आप ट्रेड ले सकते हो उन्हीं स्टॉक में। ओके, लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। उससे पहले बता देता हूँ, जो प्रीवियस वीक में मैं 6 स्टॉक आपको प्रोवाइड किया था, ओके, 6 स्टॉक में से 3 स्टॉक ने डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दिया, 2 स्टॉक ने क्या किया, ट्रेड ही जनरेट नहीं किया। LTTS और BEL, ये 2 स्टॉक ने ट्रेड जनरेट नहीं किया, मतलब बाय भी नहीं हुआ वहाँ पर, सेलिंग भी नहीं हुआ। और एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट में छोटा सा प्रॉफिट है, ओके, 4 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकले तो सही है, अदरवाइज मैं मान लूँगा कि एक स्टॉक ने SL हिट किया। फिर भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में है, क्यों, 3 स्टॉक ने हमको प्रॉफिट दिया ऑलरेडी। ओके, 3 स्टॉक ने प्रॉफिट दिया, 1 स्टॉक ने लॉस दिया और 2 स्टॉक में ट्रेड जनरेट ही नहीं हो पाया, तो ओवरऑल हम क्या है, प्रॉफिट में है। ओके, तो इस बार भी मैंने फिल्टर करके निकाला है 5 स्टॉक आपके लिए। ये स्टॉक आपको दिखाएंगे कब बाय करना है, कब सेल करना है और कब टारगेट होगा, SL कब होगा, सब कुछ बताएंगे स्क्रीन पे जाकर। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। इस चैनल में मैं अच्छा खासा ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्टेंट प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हो मेरे चैनल में, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाकर आप पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक देख सकते हो। रेगुलर मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ, उसका वीडियोस देख सकते हो और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो देख सकते हो, वो सीखकर अपने ट्रेडिंग करियर पे अप्लाई कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके गाइज, तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे, दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ओके, आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टॉक। ओके, नेक्स्ट वीक में उस स्टॉक पे ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर पैसा कमाना है शेयर मार्केट से तो नॉलेज लेना पड़ेगा, विदाउट नॉलेज शेयर मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, प्रॉफिट चाहिए तो वीडियो देखो, नॉलेज लो, पेन पेपर लेकर बैठो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, अपने चार्ट खोलो, चार्ट पे अप्लाई करो। ओके, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बाय करोगे जब मार्केट मौका देगा। ओके, जब मार्केट मौका देगा तो आप चौका मारिएगा, तभी आपके हाथ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ओके, बच्चों का खेल नहीं है शेयर मार्केट, ये जान लेना। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए, उससे पहले जो प्रीवियस वीक में प्रोवाइड किया था वो देख लेते हैं लॉस प्रॉफिट क्या दिया है। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, IRCTC निकालते हैं। ओके, IRCTC का जो लेवल्स था वो लेवल्स कहीं पे डिलीट हो चुका है। ओके, कहीं इसी पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, इस पॉइंट के ऊपर मैंने बोला था बाय करने के लिए। ओके, तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना, इसके ऊपर मैंने बोला था आपको बाय करने के लिए सिंपली, और कहाँ तक गया देखो, कहाँ तक गया, सारा लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर बोला बाय के लिए, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, फ्यूचर्स ऑप्शन कैश जो भी बाय किया होगा फार दिया होगा, फुल ऑन प्रॉफिट IRCTC। ओके, ये होता है पावर ऑफ एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ है, डेट देखते हैं, इसका भी जो पॉइंट्स है वो रिमूव हुआ है। ओके, किसी वजह से शायद इंट्राडे ट्रेड लिया था, तो मंडे था 6 सितंबर, तो 6 सितंबर से देखते हैं, 3 सितंबर, 7 सितंबर, 6 सितंबर। ओके, तो मैंने बोला होगा तो स्विंग हाई के ऊपर आपको बाय करना था, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ICICI प्रूडेंशियल में प्रॉफिट बुकिंग डन। कुछ डाउट है पहला वीडियो देख लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंबुजा सीमेंट, चलो निकाल लेते हैं।
अंबुजा सीमेंट। ओके चलो, सिंपली बोला था इस लेवल के नीचे सेल करना है, इस लेवल के ऊपर बाय करना है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, दोबारा एक चांस दिया इस लाइन को ब्रेक करके। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल जाता। ओके, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह करना आता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। मेरा टारगेट ये था, ये वाला थोड़ा सा बड़ा टारगेट था, बट टारगेट अचीव नहीं हो पाए, फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर पाए वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो आपका एसएल हिट हो जाता है यहाँ पर। ओके ओके, तो ये मैं लॉस पे ही मान लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं मान लिया, दो स्टॉक ने अभी तक प्रॉफिट दिया, एक ने लॉस दिया है। ओके, तो नेक्स्ट हम फाइन करेंगे कौन सा स्टॉक हमारे पास है, हैवेल्स का है। अभी हैवेल्स निकालते हैं। ओके, देखते हैं हैवेल्स ने क्या दिया है हमको। ओके चलिए देखिए, ये है हैवेल्स, ऊपर बाय हुआ, अगर बाय करते थोड़ा सा पुल बैक लिया और ऊपर यहाँ तक हाई बने, उसके बाद पुल बैक लिया, दोबारा गया मल्टीपल टाइम, हैवेल्स ने चांस दिया। ओके, फर्स्ट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए चांस दिया, बुक नहीं करते तो यहाँ पर बुक करने के लिए चांस दिया या ट्रेल करने के लिए चांस दिया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जैसा गया, नीचे आया। ओके, थोड़ा सा डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाकर दोबारा ब्रेकआउट दिया। ओके, अगर यहाँ पर भी बाय करें तो यहाँ से भी यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक कर सके। तो हैवेल्स ने 3 times दिया था प्रॉफिट बुक करने के लिए। अदरवाइज ऐसे अगर मॉडिफाई करके ट्रेल भी करते तब भी कुछ ना कुछ हाथ लगता, अदरवाइज लॉस तो बिल्कुल होता नहीं। तो इसने भी हमको प्रॉफिट दिया, 3 stocks ने अभी तक प्रॉफिट दिया, एक ने लॉस दिया और बाकी 2 stocks है। अभी देखते हैं कौन सा है, BEL। ओके, BEL चेक करते हैं, हमने क्या दिया था, ट्रेड जनरेट ही नहीं हुआ, इसके ऊपर लॉन्ग जाना था, इसके नीचे शॉर्ट करना था, प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, तो ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है LTTS। चलो LTTS, चलो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर लॉन्ग जाना था, बाय करना था, इसके नीचे शॉर्ट करना था, गया मार्केट नहीं, साइडवेज बनता रहा। ओके, आपको साइडवेज मार्केट में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, जिसको टेक्निकल एनालिसिस है उसको आता है उसको पता चलेगा। ये जो मार्केट है, जो अपना रेंज है वो बिल्कुल छोटा करके जा रहा है। ओके, मतलब क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा। ओके, ये नैरो डाउन करता जा रहा है अपना जो एरिया है करके, अदरवाइज अपसाइड अदरवाइज डाउनसाइड ब्रेक करेगा। ये पॉइंट्स मार्क करके रखना, अगर अपसाइड डाउन देता है तो इसके ऊपर बाय करना, अगर डाउनसाइड देता है इसके नीचे शॉर्ट करना। मैं डाउनसाइड प्रीफर नहीं करूंगा, अपसाइड के लिए आपको बोलूंगा इसको। ओके, इसको भी ध्यान में रखना। इस वीक का स्टॉक में मैंने प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी आपको बता दिया, आप ध्यान रख सकते हो इसका। ओके, तो अब आते हैं हम मंडे, आप कौन सा ट्रेड ले सकते हो अगर ट्रेड जनरेट होता है। सबसे पहला ऑयल, चलो ऑयल निकाल लिया, चलते डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। ओके, कुछ ब्रेकआउट जैसा हुआ है क्या, मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट, देखिए ये वाला जो पॉइंट्स है, देखिए ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसको ब्रेक नहीं करवा रहा था और इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया। ओके, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है। ओके, हमको मिल गया, देखिए इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। 4 hour के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली कॉमेंट करके पूछना, नो हेट कॉमेंट्स। ओके, बस सीखो और कमाओ। 4 hour टाइम फ्रेम में आ गए हम, एक बार आते हैं 1 hour टाइम फ्रेम पे, चलो आ गए हम। ओके, कुछ इंडिकेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 15 minutes के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फाइनल एनालिसिस यहाँ पर होगा। ओके, कैसे होगा बताते हैं आपको। बाय कब करना है आपको, ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर आप लॉन्ग कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाय कर लीजिए सिंपल। चलो इसके ऊपर बाय करना है आपको, टारगेट वगैरह चाहिए होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, सिंपल सा टारगेट। ओके, ये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा टारगेट दे दिया। ऑप्शन बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, कैश में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लो टिकट वाला स्टॉक है सिंपल। सेल कब करना है, इसके नीचे अगर आता है तो सेल कर देना सिंपली, कोई भी दिक्कत नहीं है,
आग बंद करके सेल कर देना। टारगेट आराम से आपको यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक आपको इजीली टारगेट आपको मिल जाएगा इस पर। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टॉक हमारा डन हो चुका है, अब सेकंड चलते हैं। क्या है ये? निपॉन लाइफ। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। एक मेजर सा क्या दिखाई दे रहा है, इस लेवल्स पे डोजी ऐसा कैंडल बनाया है, तो हम क्या करेंगे? डोजी का स्थिति जिसको पता है वो सिंपली डोजी के ऊपर बाई करेगा, जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और प्लेलिस्ट पे जाएगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला, वहाँ पर जाकर देखेगा, सीखेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डोजी के ऊपर हम बाय करेंगे, ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बाय करके रख लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, डोजी के लो के नीचे हम सेल करके रखेंगे। ओके, एक बार वीकली चार्ट पे भी हम जाते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हम पोजिशनल देख रहे हैं। ओके, कुछ ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है क्या, कहाँ पर? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग एरिया नीचे, मतलब ये नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी इस पर ज़्यादा है, तो हम सेल साइड के लिए ज़्यादा टारगेट लेंगे। अब चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। वीडियो लंबा हो सकता है, स्किप मत करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर भी बड़ा बड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है कैंडल। ओके, अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके ओके, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। ओके, सिंपल सा एनालिसिस एकदम। सेल साइड के लिए आपको टारगेट चाहिए होगा, फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दे दिया, सेकंड टारगेट भी आपको चाहिए होगा, सेकंड टारगेट भी मैं आपको एक जोन बना कर दूंगा। ओके, सेकंड टारगेट एक जोन जैसा होगा, ये वाला आपका सेकंड टारगेट मैंने दे दिया। सिंपल सा लेवल्स है, मार्क कर लो। ओके, आराम से इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट कंप्लीट हो चुका है क्या, सेकेंड स्टॉक। अब चलेंगे थर्ड स्टॉक क्या है, मारिको। वीकली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। दोस्तों मज़ा आ रहा है एकदम या बोर हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओ शेयर मार्केट में। ओके, बोर होने से नहीं होगा, बस देखो ध्यान से सीखो। अरे इसका अब क्या हो चुका है, अरे ओ बेटा मारिको पागल हो चुका है, उस बैंक ऑफ इंडिया है, इस पर देख लेते हैं। ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा आया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और एक बात देखिए सपोर्ट ले रहा है बट कॉन्टिन्यूसली क्या बनाया है, कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल बनाया है नीचे। देखिए रेड कैंडल बनाकर आया, पुल बैक लिया, थोड़ा सा दोबारा नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोज कर चुका है। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है इस जो स्ट्रांग सपोर्ट्स वाला पॉइंट्स है, ओके, इस स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट्स को ब्रेक कर सकता है बैंक इंडिया। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली इसके नीचे सेल, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। ओके, रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा, तो चलते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। एकदम सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना भाई लोग। सिंपल सा थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट किया हुआ एरिया है, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, अदरवाइज नीचे के तरफ हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो डिटेल्स वगैरह होगा इसका जो अपडेट होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बिंदास जाओ, बिंदास ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। ओके, और अगर आपको हमारा प्रीमियम गाइडेंस चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रीमियम ग्रुप, और हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। ओके, उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कांटेक्ट करो, मिनिमम सा फीस है, पे करो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो। ओके, तो हमारा बैंक इंडिया कंप्लीट हो चुका है। ओके,
अब चलते हैं मारी को देख लेते हैं एक बार क्या हुआ इसका। अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसको रीलोड कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं फाटी एयरटेल। ओके तो देखते हैं इस पर 1 वीक के चार्ट पे चलते हैं, ये क्या कर रहा है देखते हैं। अरे क्या बना दिया मैं, ये देखो स्ट्रॉन्ग वाला एक जो जोन है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा ऊपर ही जा रहा है। ओके इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो और क्या चाहिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा ले, कुछ नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ आपको बस अप्लाई करना है ट्रेडिंग में, और क्या होगा देखते ही देखते आपका जो प्रॉफिट है डबल ट्रिपल होता जाएगा। ओके यही सब मैं सिखाता हूँ, इसलिए ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। ओके ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है ऊपर भाटी एयरटेल, मतलब ये ऊपर जा सकता है बहुत ऊपर। अगर ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से मतलब है। अरे यहाँ से भी ब्रेक कर दिया, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और हम क्या करते हैं, चलो हम करेंगे हाई के ऊपर बाय, उससे पहले लगा लेते फिबोनाची। ओके 61.8% वाला ये लेवल से, तो इसके नीचे हम करेंगे सेल, इसके ऊपर करेंगे बाय, सिंपल। इसके नीचे करेंगे हम सेल, शॉर्ट होगा। ओके और हम इसके हाई के ऊपर सिंपली बाय करेंगे, हाई के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपली बाय करेंगे। कोई भी स्टॉक बाय करके फ्राइडे तक होल्ड नहीं करना है, जब प्रॉफिट मिलेगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करके चले जाना। ओके होल्ड मत करना, अगर होल्ड करोगे तो ऐसा भी हो सकता है जो आया हुआ प्रॉफिट है वो माइनस पे चला जाए। ओके तो 2 टारगेट अपसाइड के लिए मैंने आपको दे दिया, चलिए दोनों में 3 टारगेट आपको दे दिया। ओके चलो, अरे क्या हो गया, क्या खोल लिया मैं भी, अरे 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 अरे, अरे दोस्तों क्या ओपन हो गया। हाँ चलो दे दिया। ओके फाटी एयरटेल डन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना हमेशा। ओके इसके ऊपर अगर बाय करोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना। ओके फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो SL को इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे लगा देना, अगर रिवर्स भी होता है तो SL हिट होता हो जाएगा और थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, लॉस नहीं होगा, आया हुआ प्रॉफिट जाने मत देना। चलो अब चलते हैं मारिको पे। अरे इसका क्या हो गया, मारिको लास्ट स्टॉक है, इसको क्लोज कर लेते, चलिए इसको छोड़ते, यहाँ पर ही ओपन करते हैं मारिको को। ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके आ गया मारिको, वीकली चार्ट पे चलते हैं मारिको का, ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। वीकली चार्ट पे मारिको थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट किया इस एरिया पे, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया ऊपर चला गया। ओके 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। ओके एक यहाँ पर सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है मारिको ने, तो इसके ऊपर मारिको पॉजिटिव है। ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया, ऐसा बनाया, उसके बाद इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया। ओके विथ कंफर्मेशन हाँ, तो अब 15 के चार्ट पे चलते आपको पॉइंट्स बता देते कहाँ पर बाय सेल करना है। ओके नीचे से लगा लेते अगर फिबोनाची को 38.2%, इसके ऊपर है फुल ऑन पॉजिटिव मारिको। ओके फर्स्ट टारगेट आपको मैंने बता दिया, सेकंड टारगेट भी दे रहा हूँ। ओके ध्यान रखना इन सब के हिसाब से ट्रेड लेना मार्केट में। ओके गाइस सिंपली आपको क्या करना है, ये है देखिए डोजी जैसा कैंडल कुछ बना है, इसके सिंपल हाई के ऊपर आपको करना है बाय। ओके
यहाँ पर आपको करना है रिट्रेस बाय, सेल अभी तक नहीं, रिट्रेस बाय, ओके अभी तक सेल नहीं। और इसके नीचे आपको करना है सेल, सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना। ओके गाइस, इस बीच में मार्केट ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, बाय करना है, सिंपल। बीच में ओपन होता है, यहाँ से टच करके ऊपर जाता है, तब भी बाय करना है। स्टॉप लॉस इस लाइन का नीचे आपका होना चाहिए, ओके। यहाँ पर ओपन होकर नीचे गिरता है, यहाँ से भी रिट्रेस होगा तो बाय करना है, अदरवाइज नीचे गिरता है तो ब्रेक करके सेल करना है। ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो गाइस यही स्टॉक था, ओके। सारा स्टॉक्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसी चैनल के थ्रू मैं आपके लिए लाता हूँ अच्छा खासा कॉन्टेंट्स, बस आप सीखो और कमाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ओके। मैक्सिमम लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ नॉलेज, ओके, रिलेटेड टू शेयर मार्केट, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो बस यही गाइस, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, उंगली को चलाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ओके। तो गाइस वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, हैव ए गुड डे। We'll be right back.